हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवीज़ क्रिएशन। आज मैं आप लोग को पैंट, जो सिगरेट पैंट या स्टेट पैंट जो भी हो, उसके अंदर जेब लगाना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आराम से इसको सिल लेंगे। पहले मेरे पास जो टुकड़ा कपड़ा बचा था उसको मैं ले ली हूँ, तो इसका जो लंबाई है वो 12 इंच और जो चौड़ाई है एक तरफ 6 इंच ऊपर तरफ और नीचे तरफ मैं 7 इंच रखी हूँ, और उसको तिरछा करके ऐसे निशान लगा दी हूँ। फिर जो खुला वाला साइड है उधर से गोलाई शेप में ऐसे कटिंग, गोलाई शेप दे देना है, उसके बाद उसको कटिंग कर लेना है। ये मेरा कटिंग हो गया है, और फिर मैं वो बीच में से, बीच सेंटर में से मैं ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास टुकड़ा कपड़ा था उसी को मैं ली थी, इसीलिए उसको ज्वाइन करना है। और फिर सबसे पहले तो पैंट के हिप जो सामने का पार्ट है, हिप पोर्शन, उसमें ज्वाइन कर लेना है। फिर ज्वाइन करने के बाद अब ऊपर से निशान लगाना है जहाँ से बेल्ट है, 2.5 इंच 3 इंच उसको छोड़ के फिर नीचे से 8 इंच तक का निशान लगाना है। आप लोग जितना लंबाई लेना चाहते हैं ले सकते हैं उसमें। फिर इसमें 1/2 इंच की दूरी में ऐसे निशान लगा के इसके ऊपर जेब के कपड़ा रख के फिर इसको सिलना है। पहले एक तो निशान लगा लीजिए ताकि इसमें सुविधा होगा आप लोग को सिलने में। और ऐसे 1/2 इंच के गैपिंग में ही सिलाई लगाना है। फिर इसमें सीधा सीधा सिलाई लगा देना है। मेरा सिलाई लगाना हो गया, और फिर ऊपर नीचे जो निशान लगाई थी उधर से कट लगाना है, लेकिन ध्यान से कट लगाना ताकि सिलाई काट ना जाए। और फिर इसको पलट के ऐसे नाखून से प्रेस कर लेना है, तो इसमें कपड़ा आराम से बैठ जाएगा। फिर इसको पलट के दोनों साइड से जो कटिंग लगाए थे उसके ऊपर नीचे ऐसे कपड़ा को निकाल लेना है। उसके बाद निकालने के बाद ऊपर से ऐसे प्रेस करके एक तो सिलाई लगा लेना है, प्रेस सिलाई, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। सिलाई लगाना हो गया है, फिर इसको उल्टे साइड से ऐसे नीचे तरफ से सिलाई लगा लेना है। गोलाई शेप है जहाँ से, जहाँ तक गोलाई शेप है उधर तक की सिलाई लगाना है ऐसे गोलाई करके। फिर मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया, और ऊपर से ऐसे निशान लगा के ऐसे एक तो सिलाई लगाना है, लेकिन ये जो ऊपर पार्ट है, ऊपर में जो प्रेस सिलाई दी हो वो जो कपड़ा है उसको सिलाई में नहीं लेना है, बस जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेना है। मैं उसमें सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, उसको सिलाई लगाओगे तो फिर जेब बंद हो जाएगा। उसको ऐसे ऊपर करके नीचे पार्ट में सिलाई लगाना है। ये मेरा जेब तैयार हो गया है, ये देखिए। और फिर बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देना है। बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के ऐसे
सिलाई लगा लेना है, लेकिन ध्यान रखे वो जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसको सिल ना दे, तो फिर जेब बंद हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरा जेब बन के तैयार हो रहा है, ये मेरा जेब बन के तैयार हो गया है। थैंक यू।